तो तुमने ऐसे छोटे मोटे विच हाउस तो देखे होंगे, लेकिन क्या होगा अगर ये विच हाउस कुछ ऐसा दिखे? इतना ही नहीं, ऐसे तुम्हें हजारों और भी स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आया हूँ एक विच ओनली वर्ल्ड में, जहाँ पर मेरा टारगेट है 100 डेज सर्वाइव करना इसी वर्ल्ड में। और इन 100 डेज में मेरा मेन टारगेट है इन सभी जगहों पे जाके इन सभी के जो मेन बॉस है उन सभी को निपटाना। और जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ ना, उतना आसानी होने नहीं वाला। तो क्या आज मैं 100 डेज सर्वाइव करके इन सभी बॉसेस को इनकी असली जगह पे पहुंचा पाऊंगा या फिर नहीं, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये सब चीजें मैं करने वाला हूँ हार्डकोर में, यानी कि अगर मैं एक बार मरा तो टाटा बाय बाय हो जाएगा सब कुछ खत्म। और हाँ गाइस, यार इस वीडियो को बनाने में यार बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो लाइक जरूर से कर देना। तो एम करते हैं इस वीडियो पे 40,000 लाइक्स का। आई नो थोड़ा ज्यादा हो गया, पर प्लीज पूरा करवा देना। और सब्सक्राइब का यार मैं क्या ही बोलूं यार, 5 लाख तो तुम करवाते नहीं हो। तुम्हारा एक सब्सक्राइब यार हमारी मेहनत वसूल कर देता है, तो कर देना सब्सक्राइब। बस लाइक है क्या? बंद करो, क्यों मैं ओवर एक्टिंग करता साला। तो डे वन को स्पॉन हुआ था मैं इस प्लेन वाली बायोम में, जहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने चारों तरफ देखा तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नया स्ट्रक्चर तो नहीं मिला था, लेकिन इतना मुझे जरूर पता था कि आसपास मुझे कोई ना कोई खतरनाक सी जगह जरूर मिलने वाली है। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरा डे वन ही लास्ट डे बन जाए, तो उसके बाद मैंने फटाफट से वुड जमा करके अपने लिए वुडन टूल्स बना लिए। और उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ से थोड़ा बहुत स्टोन माइन किया ताकि मैं अपने लिए स्टोन के टूल्स बना सकूं। और यहाँ पर हमारे पास फाइनली स्टोन के टूल्स आ चुके थे। और अब मुझे जल्दी से जल्दी आयरन का आर्मर चाहिए था, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत खाना जमा कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ से काफी सारा खाना जमा कर लिया। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक केव भी मिल चुकी थी, जहाँ पर मुझे चमचमाता हुआ कोल भी मिल चुका था, चमक नहीं रहा था बस। और आसपास मुझे यहाँ पर आयरन तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा था, और इस केव में और अंदर जाना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं था। तो उसके बाद मैंने बाहर आके अपने लिए कुछ फनेंस बनाए, अपने लिए थोड़ा बहुत खाना पकाया, थोड़ी बहुत तैयारी करके चलेंगे यार अंदर। और जब तक हमारा खाना पक रहा था, मैंने सोचा क्यों ना आसपास थोड़ा बहुत देख लूं, क्या पता कुछ मुझे जगह मिल ही जाए। और जैसा बोला था वैसा हुआ भी, यहाँ पर मुझे एक हवेली सी दिखाई दी और मुझे लग रहा था कि पक्का ये कोई खतरनाक सी हवेली होने वाली है, अंदर जाऊंगा तो शायद मेरी कहीं पिटाई ना लग जाए, तो अभी मैं वहां जाना बिल्कुल नहीं चाहता था। बाद में जाएंगे यार, ये कोई नहीं बोलेगा कि मैं डर रहा था। लो यार नहीं डर रहा, बस जा रहा हूँ, बस अब तो भाई जा रहा हूँ मैं, अब नींव छोड़ने वाले से, देखते हैं कौन रहता उसमें, आए जरा पता तो चले कौन है। तो उसके बाद मैं बिना किसी तैयारी के सिर्फ स्टोन के टूल्स लेके सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए सीधा निकल गया उस जगह को लूटने के लिए। जो भी होगा उसकी तो बैंड बजा दूंगा मैं। और जब मैं उस जगह के पास आया तो ये तो कोई हवेली नहीं है, यहाँ पे हमारे एक अंकल जी भी रहते हैं। और अपने अंकल जी को देख के तो मैं समझ गया था कि ये जगह थोड़ी बहुत सेफ है। मुझे लग रहा था कि पक्का ये कोई खाने पीने की जगह है, यहाँ पर लोग शायद खाना खाने आते होंगे। और उसके बाद जब मैंने देखा कि हमारे अंकल जी क्या बेच रहे हैं, ये देख के तो मैं समझ ही गया, सेव वाटर ड्रिंक भी है, दैट्स अ मोटो। तो ये दुकान तो अपने मतलब की थी नहीं, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैंने उनका सामान लूट लिया, इसे क्यों उठा लिया मैंने, ए हे रहा नहीं जाता। और ऊपर यहाँ पे कुछ रूम्स भी बने हुए थे, इसका मतलब ये कोई होटल था, लेकिन नीचे तो कुछ और ही था, चलो छोड़ो उसे। और यहाँ पर कुछ चेस्टी वगैरह भी रखी हुई थी, पहले तो मैं सोच रहा था कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा, पर अफसोस ऐसा हो ना पाया। यहाँ पर लगभग 4 या 5 रूम थे और सारे के सारे रूम खाली पड़े थे, बिल्कुल हमारी किस्मत की तरह। और देखते ही देखते यहाँ पे रात भी हो चुकी थी, तो उसके बाद मैंने एक अच्छा सा कमरा सिलेक्ट किया और उन्हीं के बिस्तर पे सीधा सोने चला गया। ये कोई नहीं बोलेगा कि इसका मुझे भाड़ा देना पड़ेगा। गुड बाय अंकल जी, कल आएंगे फिर। तो अपने अंकल जी को बाय बोल के उसके बाद मैं सीधा निकल गया माइनिंग के लिए, जहाँ से मैंने काफी सारा कोल माइन किया। और थोड़ा सा आगे मुझे यहाँ पे आयरन भी मिल चुका था, तो उसके बाद मैंने यहाँ से ढेर सारा आयरन माइन किया। और उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत लैपिस भी मिला था, तो उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत लैपिस भी उठा लिया। और केव में इतना नीचे जाना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं था, तो उसके बाद मैंने अपने आयरन को स्मेल्ट किया, जिससे मुझे ढेर सारे आयरन इंगट मिल चुके थे, जिससे मैंने अपने लिए कुछ आयरन के टूल्स बनाए और अपने लिए थोड़ा बहुत आयरन का आर्मर बनाया और अपने आप को फुल्ली टोपी और जूते रह गए यार। तो उसके बाद मैं अपनी पैंट और अपनी चेस्ट प्लेट पहन के सीधा निकल गया थोड़े बहुत डायमंड ढूंढने के लिए। और जाने से पहले मैंने अपने लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना भी पकने के लिए रख दिया था, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, कैसे वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत गोल्ड भी मिल गया था, तो जब तक डायमंड नहीं मिल रहे गोल्ड से काम चला लेते हैं। और यहाँ से एक बाल्टी पानी भी भर लेते हैं। और थोड़ी बहुत मार पिटाई करने के बाद जब मैंने अपने सर के ऊपर देखा तो मुझे चमकता हुआ एक डायमंड दिखाई दिया, और यहाँ से मुझे मिले सिर्फ 2 डायमंड। और फिर से सेम थोड़ी बहुत मार पिटाई करने के बाद सर के ऊपर मुझे फिर डायमंड दिखाई दिए, एक ही मिला। और केव्स में अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत घूमने के बाद मुझे यहाँ पर एक माइनशाफ्ट दिखाई दी, जिसे देखने के बाद तो बिना लूटे से हम जा नहीं सकते।
इतनी देर से मैं किसी का वेट कर रहा था यार, वो पता है कौन था? हमारे क्रीपर भाई साहब यार। और चेस्टों में तो कूड़ा ही मिलता है और क्या ही मिलेगा यार। और इस माइनक्राफ्ट में अपना काफी सारा समय बर्बाद करने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ चेस्ट तो मिली, लेकिन सब में कूड़ा मिलेगा ये मैंने सोचा नहीं था, पर ठीक है फिर भी। लेकिन ये अच्छी बात थी कि मुझे यहाँ पर एक गोल्डन एप्पल मिल गया था, और ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इस गोल्डन एप्पल को लेने के लिए मैंने अपना सारा खाना खो दिया, फाइनेंस में जो खाना रखा था वो खो गया भाई, अब नहीं मिलने वाला वो। और बाहर आते आते यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया, क्योंकि तुम्हें तो पता ही यार रात में माइनक्राफ्ट बिल्कुल नहीं खेलते, लेकिन इस वाली वीडियो में तो मैंने रात ही रात में खेला है। और काफी ज्यादा माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 डायमंड मिले थे, जिससे मैंने अपनी लेक डायमंड की पिकेक्स बना ली। और खाने की हमारे पास बहुत ही ज्यादा कमी थी, तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत खाना जमा किया, और पता नहीं क्यों मैंने इसे भी पी लिया। अरे रीजनरेशन मिला इससे, फिर तो और भी बोतलें खरीदनी पड़ेंगी। तड़प ही ऐसी है ना। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो कि दिखने में कुछ विच की टोपी जैसा लग रहा था। तो पहले तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि हो ना हो ये कोई विच का घर है, या फिर इस घर पे विच ने अपना कब्जा कर रखा है। और इसकी ये टोपी सी शेप देख के मुझे इतना तो यकीन हो रहा था कि ये कोई सेफ जगह बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर जाना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं होने वाला। तो पहले तो मैं सोचने लगा कि जाऊं या ना जाऊं, पर बाद में मुझे याद आया कि छोड़ो यार ये सब, पहले सोना जरूरी है। और खाने के साथ अभी तक हमारा रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं रहा है, पहले हमारा खाना यार गुम हो चुका है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट था कि मैं कोल माइन करके अपना खाना पकने लगा दूं, और उसके बाद मैं थोड़ा आयरन भी माइन कर लूंगा, ताकि मेरे पास आयरन का फुल्ली आर्मर आ जाए, फिर चलेंगे लड़ने के लिए। A few moments later. चलो यहाँ पे काफी सारा कोल तो आ गया भाई। ओ भाई सही में भाई, यार ये क्रीपर कहाँ से भाई, क्यों कहाँ से टपक गया भाई तू? भाई अच्छा हुआ मेरे पास शील्ड थी। भाई क्रीपर तुम्हें भाई, इतना तो यार हॉरर गेम भी नहीं डराएंगे जितना ही क्रीपर डरा देते हैं। बात तो सही है। और उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारा आयरन माइन किया, अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया, और अपने आप को फुल्ली आयरन में कवर भी कर लिया। और अब मैं फाइनली उतना रेडी हो चुका था कि मैं उस घर पे जाके लूटपाट मचा सकूं। दरिंदों को मारना वो बात का काम है यार, मेन मोटिव तो यार लूटपाट मचाना है ना। और लड़ाई चालू करने से पहले मैंने अपने लिए एक बो भी बना ली, जो कि हमारे किसी काम नहीं आएगी, थोड़े कमी है रोज यार अभी तो। और उसके बाद सीधा मैंने उस घर पे हमला बोल दिया, पर गेट खोलते ही विचेस ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। और थोड़ी बहुत विचेस को मारने के बाद मैं समझ गया था कि इनसे लड़ना आसान नहीं है यार, भागना ही पड़ेगा अब तो। और ना चाहते हुए भी मुझे वहां से डर के भागना पड़ा। और बेशक कितनी भी खतरनाक लड़ाई चल रही हो, सोना सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे अभी तो मैं सो के आया था, फिर से सोना पड़ेगा क्या? और जब मैं इस घर में आया तो सारी की सारी विचेस पता नहीं कहाँ चली गई थी। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे ढेर सारा तगड़ा तगड़ा कूड़ा मिल गया था, इसमें भी कूड़ा ही मिलेगा। और बगल में यहाँ पर एक घर भी था, जो कि मुझे दिखने में कुछ अजीब से लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो वही वाली दुकान है। पर इस बार चेस्ट में से यार वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए था यार, ये तो एप्पल ही तो चाहिए थे, मैं एप्पल की बात कर रहा था यार। बेकार सामान बेचते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें है? छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं यार, इनको तो शर्म ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे फाइनली वो जगह मिल चुकी थी, जहाँ पर मुझे तगड़ी तगड़ी लूट मिलने वाली है। और ये दिखने में एक कैसल जैसा लग रहा था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था। इतना तो मैं समझ गया था कि इसमें जाना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं होने वाला। तो लड़ाई करने से पहले मैंने अपना यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना कुक कर लिया। अब बताओ भाई कौन सा है? भाई यहाँ पे तो प्लेजर्स वगैरह भी हैं, इवोकर है, प्लेजर्स है, विंडिकेटर। भाई ये तो भाई बैंड बजा देंगे मेरी। नहीं यार रुको यार, इनकी बैंड मैं बजा के आता हूँ, रुको। ओ भाई नहीं नहीं भाग भाग भाई भाग ले भाई, दो विंडिकेटर आ गए यार, ये तो एक ही में मेरा कचुमड़ बना देंगे। भाग लो भाई पहले, बाद में आएंगे लड़ने। शायद मैंने ना रास्ता गलत चुन लिया यार, मैं गलत साइड से एंट्री कर रहा था, इस बार ना इस साइड से जाता हूँ। और ये प्लेजर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इनको तो मैं यूं ही भून दूंगा। भाई आओ यार, कौन कौन है? ये तुम भी आ जाओ, पूरे झुंड में आओगे तो। ओ भाई भाई ये क्या मार रहा है भाई? ये तो वो है ना फायर क्रैकर भाई, ये तो दिवाली बना रहा है, ये हमारा दिवाला निकाल दे। भाग भाई भाग ले भाई भाग ले। मैंने यहाँ पे इनको मारने की बहुत ट्राई की, किसी को तो मार भी दिया, लेकिन ये फायर क्रैकर वाले तो भाई मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मुझे वहां से भागना पड़ा। तुमसे ना हो पाएगा। भागा नहीं यार, अभी मैं थोड़ी तैयारी करके आऊंगा। आऊंगा यार, अपुन आएगा यार, अपुन लड़ेगा, अभी आऊंगा थोड़ी देर में, आ रहा हूँ रुक तू। तो उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारे डायमंड माइन किए। और फाइनली मेरे पास यहाँ पे काफी सारे डायमंड आ चुका था, जिससे मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाया, अपने लिए डायमंड के कुछ टूल्स बनाए, और थोड़ा सा हग भी दिया, 2 डायमंड की स्वॉर्ड बना ली। और फाइनली अब मैं फुल्ली रेडी था उस कैसल पे हमला बोलने के लिए। तो अब बारी थी उस कैसल पे जाकर तबाही मचाने की, पर रास्ते में एक रुइन पोर्टल मिल गया, तो इसे भी लूट ही लेते हैं। लूटेंगे नहीं तो यार बेचारा बुरा मान जाएगा। अच्छा
इतनी बेकार लूट। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़े बहुत ऑब्सिडियन भी माइन कर लिए ताकि अगर मुझे नेदर में जाना हो तो मेरे पास उस टाइम पे ऑब्सिडियन होनी चाहिए। मिल रहे हैं तो यार लपेट लो यार, क्या दिक्कत है। और अब मैं यहाँ पर तो आ गया था लेकिन मेरे पास एक भी एरोज नहीं थे, तो यानी कि ये फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और इनसे लड़ने से पहले मैं सोच रहा था कि शायद यहाँ पर आसपास कोई चेस्ट वगैरह मिल जाए तो मैं इनसे इजीली लड़ पाऊंगा। ऐसा सोचते हुए मैं सीधा आगे बढ़ गया और ये कोई एक लाइब्रेरी थी जहाँ से मुझे लग रहा था कि पक्का कुछ ना कुछ तो किताबें वगैरह मिली जाएंगी। और भाई साहब ने फ्रेम में टांग रखी थी और यहाँ से मुझे मिली एक इन्फिनिटी की बुक और बगल में यहाँ पे एनविल भी रखा हुआ था जिससे मैंने अपनी बो पे फटाफट से इन्फिनिटी की बुक लगा ली। पर लगा के कर क्या लिया, एरोस तो है ही नहीं। और यहाँ पर मुझे एक और बुक मिली जिस पे लगी हुई थी, वाह मजा आ गया यार, फटाफट से इसको भी अपनी स्वॉर्ड पे लगा लेते। और देख रहे हो टेस्ट करने के लिए भाई आ भी गए भाई साहब। धार तो बहुत ज्यादा है इसमें। और इन टोटम भाई साहब को मैं भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पर एक और बुक बाकी थी जिस पे लगी हुई थी, भाई दो दो क्यों दे दी, एक ही तो चाहिए थी मेरे को। अरे हाँ मैं इसको अपनी एक्स पे लगा सकता हूँ। और बीच में यहाँ पे इंचेंटमेंट टेबल भी रखी हुई थी जिसका फायदा उठा के मैंने अपनी पिक एक्स पे विजेंसी 1 मिली। ठीक है यार जो भी है। अब नीचे तो भाई कुछ है, पिक्स वगैरह कैद कर रखे हैं। अभी आ रहा हूँ भाई, इनको आजाद कराना है यार। रुको अभी तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। इनकी तो बैंड बजा दी, अब चलते कुछ लूट वगैरह मिल जाए तो मजा। ओ भाई तू ऊपर से कहाँ रहा, ओ भाई भाई ओ भाई शिट यार, शिट यार मेरा टोटम यूज हो गया भाई। क्या डैमेज दे रहा भाई, कौन सी एक्स लेके घूम रहा था, ये डैमेज देख रहे हो, उसने मुझे 2 या 3 हिट मारे बस। मेरे डायमंड का आर्मर था भाई, भाई बहुत तगड़ी एक्स ले रखी है इसने तो। तो यहाँ पे मेरा टोटम भी यूज हो चुका था यानी कि अब मैं उतना सेफ बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर मैं फाइट एकदम संभल के लेने वाला था और फाइनली मैंने जैसे तैसे करके तो इनको मार दिया था। लिटरली मेरी भी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी, लग रहा था कि मैं भी मर जाऊंगा, पर जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाल लिया। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक चेस्ट मिली जिसमें भी कूड़ा ही था। और ये कौन सी जगह पे आ गया भाई मैं, बाहर चल भाई यहाँ से निकल ले, यहाँ तो भाई मुंडी काट के रख रखी है। आजा पहले इसको देखूं भाई, बड़ी देर से परेशान कर रहा है भाई, इनको मारना यार सही में बहुत मुश्किल है। ये विंडिकेटर ना बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे हैं भाई, हद से ज्यादा भाई। एक दो भाई देख रहे हो, 2 हिट दिए इसने मेरे को, 2 हिट में भाई हाफ हार्ट कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक और चेस्ट मिली और फाइनली मुझे यहाँ पे एरोज मिल चुके थे। और अब देखो कैसे इनकी मैं वाट लगाता हूँ, देखते हैं ये मेरी वाट लगाते हैं या मैं इनकी लगाता हूँ। और फाइनली मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी को तो मार दिया था, बस थोड़े बहुत बाकी थे वो शायद नीचे होंगे, लेकिन ऊपर के मैंने सभी को निपटा दिया था। और यहाँ पर मुझे एक चेस्ट भी मिली थी जिसमें से मुझे ढेर सारे एरोज और अपना प्यारा टोटम भी मिल गया था। और यहाँ पर मुझे 2 प्रोटेक्शन 4 की बुक्स भी मिली थी। और इस वाली चेस्ट से भी मुझे एकदम तगड़ी वाली 2 बुक्स भी मिल चुकी थी, एक पावर 5 थी और एक फायर रेस्पेक्ट वाली थी। और यहाँ पर इन्होंने पता नहीं कोई रेड स्टोन का कौन सा मैकेनिज्म बना रखा था, मैं तो इन्हें गवार समझता था, इनमें तो दिमाग भी है। ओ भाई वेट, नीचे भाई गोल्ड है क्या वो, भाई नीचे इनका ट्रेजर रूम है भाई, देखो भाई सही में गोल्ड है और नीचे चेस्ट भी है। चेस्ट में पक्का भाई मुझे लग रहा है सोना भरा पड़ा होगा भाई। सबसे पहले गोल्ड उठा लो भाई, सारा लपेट के ले जाऊंगा, जितना भी है भाई मुझे सारा चाहिए। देखते हैं इस वाली चेस्ट में क्या मिलता है। ओ भाई, ओ भाई सीरियसली इतने सारे डायमंड्स, और ये तो अभी मैंने सिर्फ एक ही चेस्ट खोली है। और एक चेस्ट में जब इतना सारा सामान मिला हो तो दूसरी चेस्ट कौन सा पीछे हटेगी, इसमें भी डायमंड ही भरे पड़े थे। तो भाई देख रहे हो 21 ब्लॉक, इतना सारा डायमंड कहां से चुरा लाए ये प्लेजर्स, एक नंबर के चोर हैं भाई। और उसके बाद मैंने यहाँ से एनविल भी उठा लिया और अब मैं लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि जो सामान मुझे चाहिए था वो तो मैंने अपनी जेब में भर लिया है। और एक्सपी जमा करने के लिए तो हमें यही करना पड़ेगा बस। उसके बाद फाइनली मैंने अपनी बो पे पावर 5 की इंजेंटमेंट लगा ली। अरे यार स्वॉर्ड का नंबर कब आएगा। चलो अपनी स्वॉर्ड पे भी यहाँ पे फायर एस्पेक्ट की बुक भी लगी, अब सही होगी अपनी स्वॉर्ड, अब तो मैं किसी को भी जला जला के मारूंगा अब तो मैं। और यहाँ पे एक ऐसी चीज होने वाली है जो पक्का साबित कर देगी कि क्रीपर से मजे नहीं लेने चाहिए यार कभी। मजे लेने के चक्कर में बेचारा हमारा टोटम शहीद हो गया, क्रीपर से अब नहीं लेने वाला कभी मजे। छोड़ो चलो यार ये सब चीजें तो होती रहती हैं। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक और दुकान मिली। ओ इस बार तो इन्होंने चेस्ट में भी रख रखा है, और तुम्हें तो पता ही है ये सब चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक शिप दिखाई दी जो कि एक विलेजर्स की शिप थी। और इन्होंने यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान भी रख रखा था। यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत मछलियाँ, थोड़ा बहुत खाना भी मिल गया था। लेकिन दो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, ये कहाँ से चुरा लाया भाई? ये एक नहीं वो भी दो। छोड़ो यार, इन्होंने कहीं और से चुराया होगा, मैंने इनकी बोर्ड से चुरा लिया। और बाकी चेस्टों में भी ज्यादा कुछ मुझे खास तो मिला नहीं है, शायद कहीं अपना छोटा मोटा सामान लेके कहीं जा रहे होंगे। लेकिन इतने सारे एमरल्ड्स, वो भी भाई स्टैक में देख रहे हो, इतने तो मेरी जेब में भी ना है भाई, कितने एमरल्ड हैं। और उसके बाद क्या होना था तुम्हें तो पता ही है, इनके सारे एमरल्ड मैंने चुरा के अपनी जेब में भर लिए। और लास्ट मिनट इस बोट पे क्या हुआ, यहाँ पर किसने चोरी की, मैं नहीं चाहता था कि कोई इस बात का पता लगाए, तो मैंने सबूत के साथ साथ विलेजर्स भी मिट गए। और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मैं पहुंचा एक जंगल वाली बायोम में, और जहाँ पे मुझे मिला एक अजीब सा स्ट्रक्चर जो कि दिखने में कुछ जंगल टेम्पल जैसा था। फील तो वैसी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत कॉपर ब्लॉक्स वगैरह लगे हुए थे, पर हमें उनसे क्या मतलब, हमें तो मेन लूट से मतलब है यार, हमें तो डायमंड वगैरह चाहिए ना। और जैसे कि तुम्हें पता है कि जंगल टेम्पल में ट्रैप वगैरह होते हैं, जो बात मैं यहाँ पर भूल गया था, तो मेरे साथ ये हुआ। चेस्ट में कुछ है भाई, टीएनटी है क्या? ट्रैप भाई, भाग ले भाई, भाग भाई, भाई साहब भाई टीएनटी भाई ट्रैप बिछा रखा भाई, देखो धूम धड़ाका बच गया भाई, एक सेकंड और लेट होता ना मैं, मेरा धूम धड़ाका बन जाता भाई। टीएनटी ट्रैप भाई, वो ट्रैप चेस्ट थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार। और यहाँ पर मुझे एक चेस्ट भी दिख रही थी, पहले मैं सोच रहा था कि यार ये कहीं ये भी ट्रैप चेस्ट ना हो, पर रिस्क है तो इश्क है, जिसमें से मुझे एक टोटम डायमंड गोल्ड ढेर सारा बढ़िया बढ़िया सामान मिल गया था। और ये कौन से जानवर हैं भाई, देख रहे हो कैसे स्केलेटन है, इनके हाथों में गोल्ड की स्वॉर्ड है और गोल्ड की चेस्ट प्लेट और टोपी पहन रखी है, पैंट पहन के आना चाहिए था। और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे मुझे और कुछ खास तो मिला नहीं, तो उसके बाद मैं इसको भी लूट के सीधा आगे बढ़ गया। और चलते चलते फाइनली मैं पहुंचा एक डेजर्ट वाली बायोम में, जहाँ पर हमारा स्वागत हुआ एक रून पोर्टल के साथ। पता नहीं इतना सारा सामान मैं कहाँ लेके जाऊंगा, लेकिन चुराए मैं फिर भी जा रहा हूँ, चेस्ट में तो बेकार ही सामान मिलता है। और बगल मुझे यहाँ पर एक गांव भी मिल गया था, जहाँ पर एक टू स्मिथ भी था जो कि डायमंड आजकल रखता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर मैंने अपना गोल्ड स्मेल्ट होने रखा ताकि मैं अपने एप्पल्स को गोल्डन एप्पल्स बना सकूं। और इस टू स्मिथ को देख के मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसको मैक्स कर दूं तो क्या पता मुझे एक तगड़ी इंचेंटमेंट वाले टूल्स वगैरह दे दे। और जैसे कि तुम्हें पता ही है, आज तो मैं अंबानी बना हुआ हूं, एमराल्ड्स की कोई कमी नहीं है, तो करते हैं फटाफट से इसको मैक्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और यहाँ पर मैंने अपने विलेजर अंकल से एक एक्स भी खरीद ली जिसपे एफिशिएंसी 2 लगी हुई थी, इसलिए मैंने उसको खरीद लिया ताकि मैं अपनी पुरानी वाली एक्स के साथ इसको कंबाइन कर सकूं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक लाइब्रेरियन भी मिल गया था, तो मैं सोचा था इसको भी मैक्स कर लेते हैं, एक तगड़ी सी बुक मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और जब तक हमारा वेपन स्मिथ भी मैक्स हो चुका था जो कि हमें दे रहा था पैसा बर्बाद, इस काम के लिए मैंने इसको मैक्स किया। और लाइब्रेरियन अंकल ने हमें थॉर्न्स की बुक दी, तो मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत थॉर्न्स की बुक खरीद ली। और मैक्स होने के बाद भी इन्होंने बेकार सी बुक दी, और अब मुझे अपना यार एमरल्ड वसूल करने हैं। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, स्वार से नहीं मारेंगे यार। हाँ ये हुई ना बात। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक पिरामिड सा दिखाई दिया, पिरामिड सा नहीं, ये कोई पिरामिड ही था, जो कि पहले तो मैं सोचा था ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, मतलब स्टोन से बना रखा होगा, पर देखते हैं अंदर क्या पता कुछ मिस्टीरियस ही लूट वगैरह मिल जाए। और गेट तो मुझे मिला नहीं, तो हम तो टॉप से अंदर घुस जाएंगे। और थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ करने के बाद यहाँ भी ट्रैप बिछा रखे हैं, देख रहे हो कितना तेज हो रहे हैं ये, पर अपने सामने तेज ही नहीं भाई। स्प्लैश पोर्शन ऑफ माइनिंग 46 भाई, 16 मिनट 40 सेकंड का भाई, ये कोई खतरनाक ही ट्रैप है भाई। अच्छा हुआ मैंने भाई ट्रैप मेरे को पहले मिल गया, ट्रैप ही तोड़ दो भाई सबसे पहले, रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, अगर ये ट्रैप में मैं फंस जाता तो भाई मेरा तो काम ही तमाम हो जाता। ये देखो भाई, ये रहा वायर दिख रही है तुम्हें, स्ट्रिंग, इस पे मैं लगता और अच्छा ऊपर से गिर जाता, ये स्प्लैश पोर्शन और माइनिंग फटिक मिल जाता भाई, ये सीन था। अच्छा वो मैं ऊपर से आया भाई, वरना तो अपना काम तमाम हो जाता, भी बच गया। और पहले तो मैं सोचा था कि कहीं ये वाली चेस्ट में भी कोई ट्रैप वगैरह ना हो, इसलिए मैंने नीचे के थोड़े बहुत ब्लॉक्स तोड़ दिए, तब पता चला कि ये तो नॉर्मल चेस्ट है जिसमें से मुझे बढ़िया बढ़िया सामान मिल गया था। और अब मैं इतना तो समझ गया था कि इस पिरामिड के अंदर ट्रैप बेशक बहुत सारे हों, लेकिन लूट भी कति तगड़ी मिलने वाली है। और यहाँ पर भाई इतने सारे ट्रैप थे भाई, ऐसा था तुमने अगर यहाँ पे पैर भी रख दिया सीधा तुम लावा में गिरोगे और खत्म हो जाओगे भाई, देख रहे हो कैसे कैसे ट्रैप है भाई, अगर तुमने यहाँ पे सीधा बिना देखे चले गए तो सीधा लावा में भाई। अच्छा वो मैंने देख लिया, मैं तो भाई तोड़ तोड़ के चल रहा हूँ।
और यहाँ से भी मुझे ठीक ठाक सी लूट तो चलो मिली गई है, बुक्स भी काफी मस्त मस्त मिले जा रही हैं, कमी तो चलो यहाँ पे लूट की कोई नहीं है। और नीचे कोई रूम सा है भाई, नीचे चलते हैं एक बार। और भाई चेस्ट, तगड़ी लूट मिलने वाली है भाई, स्पेशल रूम में रख रखी है वो अलग से। नीचे अगर मैं स्टोन को तोड़ दूं तो भाई कुछ, हाँ रेड स्टोन वगैरह तो दिख नहीं रहा, होता तो दिख जाता ना आसपास, तो चेस्ट में कुछ नहीं है। एक बार तो चेस्ट में यहाँ पर ट्रैप वगैरह तो नहीं है, एक बार चेस्ट खोल लेते हैं भाई। क्या है ये, जो भी चीजें भाई फुल स्टैक में है, 64 बोतल। भाई साहब इतनी तगड़ी लूट मिल जाए तो मजा ना आ जाए। तो यहाँ पे मुझे ढेर सारी बोतल तो मिल चुकी थी एक्सपी वाली, जिससे मैंने अपनी ढेर सारी एक्सपी बढ़ाई, और जितनी भी मेरे पास बुक्स थी मैंने उन सबको अपने टूल्स और आर्मर पे भी लगा लिया। भाई बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया इस डेजर्ट पिरामिड को भाई एक्सप्लोर करते करते, कम से कम मैं 1.5 घंटे से लगा पड़ा हूँ भाई इसी चीज को एक्सप्लोर करते करते। इतने सारे ट्रैप मिले, बच बच के मैं यहाँ तक तो आ गया, और अब मैं लूटना भाई, जितना लूटना था लूट लिया, मैं यहाँ से सीधा आगे जा रहा हूँ। तो उसके बाद मैं पिरामिड को खाली करके सीधा यहाँ से आगे बढ़ गया, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं यहाँ पे सवाना बायोम में पहुंचा, जहाँ पर तो लोगों ने कैंप लगा रखे थे। सुबह चलेंगे, पहले सो जाते हैं। और देखने से तो लग रहा था ये डाकुओं के कैंप है यार, मुंडी काट काट के लगा रखी है। और चेस्ट में तो भाई कूड़ा ही रखते हैं और क्या ही रखेंगे ये। तो यहाँ से तो मुझे ज्यादा कुछ खास तो मिला नहीं, खास क्या कुछ भी नहीं मिला। और जब तक डाकू लूटपाट मचा के आते हैं, मैंने उन सबके कैंप ही चला डाले, अब कहाँ रहेंगे वो। और थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे यहाँ पर एक और विलेज मिला, तो यहाँ पर आके मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा आइडिया है कि नेदर में चलते हैं, क्योंकि यार थोड़ी बहुत मार पिटाई तो नेदर में भी मचानी है ना। तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया, कि तभी मैंने देखा कि मेरा डायमंड का आर्मर ऑलमोस्ट मर चुका है, इसको भी अब रिपेयर करना पड़ेगा। कर लेंगे, क्या दिक्कत है, डायमंड की कमी थोड़ी है यार, कमी तो बस एक्सपी की है, वो भी इनसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो फाइनली हमारा डायमंड का आर्मर भी रिपेयर हो चुका था, तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए। क्या ही मस्त जगह पे निकाला भाई, इससे अच्छी जगह और कोई मिली नहीं क्या तुम्हें। नीचे कैसे जाया जाए यार, अब आइडिया लावा MLG करते हैं। लावा MLG भी एकदम मस्त है, बस आर्मर अच्छा होना चाहिए। 2000 years later. और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं पहुंचा एक क्रिम्सन फॉरेस्ट में, जहां पर मुझे एक अजीब सा स्ट्रक्चर मिला। पहले तो मुझे लग रहा था ये कोई बेशन वगैरह है, पर बाद में पता चला कि ये तो कुछ अलग ही स्ट्रक्चर है, जिसकी छत पे बना हुआ था एक पोर्टल, यानी कि हो ना हो ये पोर्टल हमें कहीं मस्त सी जगह ले जाएगा। वो सब छोड़ो, पहले यहाँ पे चेस्ट दिख रही है, उसको लूटते हैं। क्या बेकार लूट देते रहते हो यार। और यहाँ पे मुझे एक और चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे 3-3 नेदरराइट के स्क्रैप मिल चुके थे। 4 दे देते यार, 3 कौन देता है भाई। और पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए मुझे चाहिए थी फ्लिंट एंड स्टील, और पता नहीं कैसे मैंने फ्लिंट एंड स्टील को कहाँ फेंक दिया, या फिर वो टूट की मुझे याद नहीं था, और अब इसको एक्टिवेट कैसे किया जाए। और तभी मुझे आइडिया है कि हमारे पिगलिन भैया में ट्रेड में ग्रेवल भी देते हैं और नेदरराइट के नगेट भी देते हैं, तो कर लेते हैं इनसे भी थोड़ा सा बिजनेस। तो उसके बाद मैंने ग्रेवल से फ्लिंट जमा की, नगेट से अपने लिए नेदरराइट और फ्लिंट एंड स्टील बना के अपने पोर्टल को एक्टिवेट किया, और अब देखते हैं ये पोर्टल हमें कहाँ लेके जाएगा। अरे यार ये तो किसी केव में ले आया, और ये एडवांसमेंट पता नहीं किस बात पे मिली है, पर ठीक केव में क्यों लाया भाई, ये तो कोई स्पेशल जगह नहीं है। स्कैम हो गया क्या अपने साथ, पता नहीं भाई कैसी सी जगह पे निकाल दिया, केव में निकाल दिया, कोई अच्छी सी जगह पे निकाल देते यार। चलो फाइनली यहाँ पर मैं ऊपर तो आ गया, यहाँ से अब सीधा ऊपर चलते हैं। ये मैं कहाँ टक्कर हूँ भाई, ये कौन सी जगह है, ये बर्फ है क्या, हाँ ये आइस है। ओ भाई ओ व्हाट, ये क्या चीज है, एक सेकंड भाई, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है आइस का कैसल है कोई किसी ने बना रखा है। यहाँ भी दवाई मचानी पड़ेगी लग रहा है, और जहाँ तक मुझे लग रहा था ये भी कोई एक कैसल है आइस का बना हुआ है। और यहाँ के लोग तो भाई दिखने में भी खतरनाक लग रहे थे, क्योंकि सबके पास भाई डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स वगैरह थे। और यहाँ पर मुझे जो मिला ये था एक फ्रोजन वॉरियर जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था, इसने डायमंड का आर्मर पहन रखा था, मुझे लग रहा था भाई ये मुझे बहुत मारेगा, पर ये तो भाई हवा में भी नहीं टिक पाए। तो अब इसी तरह सबको भी कूटना चालू करते हैं, और इन सबको निपटाने के बाद मुझे मिला आइस लॉर्ड, जो कि यहाँ का बॉस था। तो अब बारी थी इसको पीटने की, तो जैसे तैसे मैंने इसको भी यहाँ पे निपटा दिया था, जिसके मरने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ किताबें और उसकी एक्स मिल गई थी। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक और जगह मिली, जो कि दिखने में भी काफी मस्त सी लग रही थी। अब यहाँ भी थोड़ी बहुत हाथ साफ कर लेते हैं,
और यहाँ पर मुझे एक अजीब सी लाइब्रेरी मिली, मतलब ये लाइब्रेरी कम भूल भैया ज्यादा थी, जहाँ पर काफी सारे ट्रैप वगैरह थे जो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के चल रहा था ना। तो उसके बाद मैंने इसको और लूटा तो मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत चेस्टी और मिली थी, और फाइनली जब मैं इसकी छत पे आया तो मुझे इनका बॉस मिला। पर ये बॉस तो पता नहीं भाई साहब क्या करना चाह रहे थे, अटके पड़े थे ये तो, जो कि शायद हमसे फाइट करना बिल्कुल नहीं चाहता था, पर मैं तो चाहता था ना। हो गया बस इसका भी काम तमाम, अब सीधा आगे चलते हैं। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक और शिप दिखाई दी जो कि थी प्लेजर्स की शिप, जिन्होंने अपनी शिप पे कैनन्स वगैरह लगा रखी थी, पर शायद इनका ये यूज करना नहीं जानते थे तभी तो मुझे बाहर कूद कूद के मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन भाई साहब को तो कैनन चलानी आती नहीं थी, तो मैंने इनको थोड़ा सा सिखा दिया कि इस कैनन को कैसे यूज करते हैं, पर वो अलग बात है कि देखने के लिए कोई था नहीं यहाँ पे। और चेस्टों से मुझे ज्यादा कुछ खास सामान तो मिला नहीं, बस ठीक ठाक सा सामान मिल गया था, लेकिन यहाँ पर एक और चेस्ट थी जिससे मुझे एक टोटम, थोड़ा से गोल्डन एप्पल्स और एक नेदरराइट स्क्रैप भी मिल गया। अब तो चार हो गए जिससे मैं अपने लिए एक नेदरराइट इंगट बना सकता था। उसके बाद मैं बोट बना के सीधा आगे निकल गया कि तभी मुझे यहाँ पर एक चेस्ट दिखाई दी जिसमें से मुझे एक बड़ी ट्रेजर मैप मिल चुका था। इतनी सारी लूट पहले से जेब में रखी है फिर भी लूट रहा हूँ मैं, देख रहे हो। ओ भाई ओ तेरी, ये भाई ये कोई पायरेट शिप है, कितनी खतरनाक लग रही है भाई साहब। उतनी खतरनाक भाई लूट भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए, यहाँ पे एक बार देखो तो सही भाई क्या लग रहा है। और यहाँ पे तो कुछ अलग तरह के मॉन्स्टर हैं भाई, ये तो कुछ खतरनाक से लग रहे हैं। और चेस्ट में तो मुझे ज्यादा कुछ खास तो मिला नहीं, तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्वॉर्ड को मैं नेदरराइट का बना लूं। तो उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारा आयरन माइन करके अपने लिए एक एनविल बनाया और फटाफट से अपनी पिकेक्स पे एफिशिएंसी की बुक लगा ली। और अब चलते हैं सीधा इनकी बैंड बजाने। और ये डाकू सिर्फ दिखने में खतरनाक थे, एक एक हिट में निपट जा रहे थे भाई। और इन सबको मारने के बाद मुझे यहाँ पर एक अजीब सी चीज मिली थी जो कि थी एक बंडल, इसके अंदर मैं अपने इसके अंदर हम अपना सामान स्टोर कर सकते हैं, कुछ उस तरह का था बस ये। और फाइनली सभी डाकुओं को मारने के बाद फाइनली मुझे इनका कैप्टन मिला जो कि शायद बोट को चला रहा था, वैसे बोट तो रुकी पड़ी थी, लेकिन ये कैप्टन भाई साहब हमें देखते सीधे हम पे मारने आ गए। पर और ये कैप्टन भाई साहब थोड़े से अकलमंद भी थे, अपनी हेल्थ को रीजनरेट कर रहा था, और कब तक कर लेगा। देख रहे हो अपनी जेब में कितना गोल्ड लेके घूम रहा था। तो फाइनली मैंने इस बोट को भी डाकुओं के चुंगलों से एकदम इजीली बचा लिया था, कैप्टन भाई साहब को मार के इस बोट का कैप्टन अब मैं बन चुका था। तो उसके बाद अब बारी थी, लूटेंगे इस बोट को और क्या करेंगे अब। और इस वाली चेस्ट से मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड और एक ट्राइडेंट भी मिल चुका था। और इतनी ज्यादा मार पिटाई करने के बाद मेरा आर्मर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, तो उसके बाद मैंने इस एनविल से अपने आर्मर को रिपेयर किया, पर सबको नहीं कर पाया, हर बार एक्सपी कम पड़ जाती है, तो एक्सपी तो बाद में मिली जाएगी, इसलिए मैं एनविल को उठा के सीधा आगे बढ़ गया। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे भाई क्या है ये तो भाई आसमानों से भी ऊपर जा रहा है भाई, ये बादलों को चीरता हुआ, देख रहे हो कितना ऊंचा भाई, ये तो बुर्ज खलीफा का भाई लग रहा है मेरे को तो। और इस जगह पे फाइट करने के लायक अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था क्योंकि मेरा आर्मर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। तो सबसे पहला मेरा टारगेट था कि मैं अपने आर्मर को रिपेयर करूं, जिसके लिए मुझे ढेर सारी एक्सपी चाहिए थी। और काफी सारे जानवरों को और काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मैं पहुंचा एक विलेज में जो कि मुझे थोड़ा सा पास में मिल गया था। और मेरे पास एमराल्ड्स की तो कोई कमी नहीं थी, तो मेरे पास आइडिया है कि क्यों ना मैं अपनी एक्सपी को अपने अंकल जी से ट्रेड करके धड़ाधड़ बढ़ा लूं। फाइनली हमारा आर्मर यहाँ पे पूरी तरह एकदम रिपेयर हो चुका था, एकदम नया नया बन चुका था। तो अब चलते हैं सीधा उस जगह पे, हमला बोलते हैं अब। और ये वाली फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी चलने वाली है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं, लेकिन हमारा सबसे मेन बॉस है वो एक विच जो कि हमें मिलेगी इसके टॉप फ्लोर पे, हमें सबसे पहले उसको निपटाना है। और वहां तक पहुंचने से पहले हमें इन सबको भी निपटाना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन्हीं में से एक जना हमारी हेल्प कर देगा ऊपर पहुंचने में। इन भाई साहब ने मुझे लेविटेशन का इफेक्ट दे दिया था और ये इफेक्ट इतना बड़ा था कि मैं इतना ऊपर पहुंच गया कि छत तोड़ के बाहर निकल गया। और नीचे आते आते भग भी दिया। और उसके बाद मैंने इन सभी विचेस को मारा। और इनको मारने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ चेस्टें भी मिली थी जिसमें से मुझे एकदम बढ़िया बढ़िया सामान मिल चुका था। और
इतनी सारी एंटरपल का मैं क्या करूंगा भाई, और ब्लेस पाउडर भी मिल गया, क्या बात है भाई। और एक मॉन्स्टर हमारा एंड वर्ल्ड में भी रहता है, उसको मारने के लिए हमें एंड वर्ल्ड में तो जाना ही था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे काफी सारी आई ऑफ एंडर बना ली। और यहाँ की जो विच थी वो ये वाली विच थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जैसे मैं इसको एक हिट मार रहा था, ये मिनियंस करके कोई अपने बॉडी गार्ड को स्पॉन कर दे रही थी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे मारूं। मैं एक हिट मारता हूँ, ये चार पांच वैसे स्पॉन कर देती है, उनको मारता हूँ ये फिर स्पॉन हो जाती है, जब तक ये अपनी हेल्थ भी रिजनरेट कर लेती है। तो मैं इतना तो अब समझ गया था कि इसको स्वार्ड से मारना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका इलाज है ना हमारे पास, हमारी वो कब काम आएगी। बस निपटा दिया इसको भी, और इसने मरने के बाद मुझे डायमंड्स दिए, क्या बात है भाई। तो मेन बॉस को तो हमने यहाँ पे कब का निपटा दिया था, लेकिन इसके थोड़े चेले चपाटे तो बचे हुए थे, तो फटाफट से इनको भी निपटाते हैं। बहुत कर ली यार मारपीट, अब नहीं करना यार, इतनी लूट बहुत है भाई, कहाँ ले जाऊंगा इतनी सारी लूट को मैं। निकल भाई, मुझे अब लड़ना नहीं यार, बहुत यार बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे हैं ये। अब नहीं लड़ना मैं जा रहा हूँ भाई, अब नहीं लड़ना मेरे को, मैं जा रहा हूँ भाई, अब सीधा एंड वर्ल्ड चलते हैं। वहां से जाके अब एंडर ड्रैगन को मारना पड़ेगा मैं सबसे पहले, उसके बाद वो एंडर वर्ल्ड में रहता है जो बॉस, उसको मारना है, उसके बाद मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। और फाइनली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था, और ऐसी एंट्री पता नहीं मेरी आजकल क्यों होने लगी है। चलो फिर दो मिनट रुको, इसको भी मैं फटाफट से धो के आता हूँ। बेचारा हर बार पिट जाता मेरे हाथों से। तो उसके बाद मैं सारी एक्सपी को लपेट के सीधा निकल गया एंड वर्ल्ड के लिए। और अब बारी थी मेन सबसे ज्यादा खतरनाक एंड वर्ल्ड का जो मॉन्स्टर है, हमें उसको जाकर निपटाना है। और फाइनली मुझे यहाँ पे वो जगह मिल चुकी थी जहाँ पर वो दरिंदा रहता है, बस अब फटाफट से इसको भी निपटाते हैं। बस इसको भी निपटा दिया, देख रहे हैं तुम्हारा भाई चैंप हो गया, अब तो किसी को भी निपटा देता है। वो अलग बात है मैंने इंचेंटेड गोल्डन एप्पल यूज किए हैं। तो इस तरह मैंने इस वर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर का अंत कर दिया, और फाइनली हमने इस वर्ल्ड में 100 डेज भी सरवाइव कर लिए हैं। और होपफुली आपको ये 100 डेज की जर्नी काफी ज्यादा पसंद आई होगी, कैसी लगे एक बार कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।